उत्तर मुंबई लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिता मातोंडकर की प्रचार रैली के दौरान बोरीवली रेलवे स्टेशन में मोदी के नारे लगाने वाले लोगों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई की थी, जिसका गोपाल सेट्टी ने निषेध किया है। उनका कहना है कि रेलवे परिसर में जाकर मारपीट करना गलत है। देर रात भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग को पत्र देकर जांच की मांग की है। इस अवसर पर भाजपा विधायक प्रवेश दरेकर उत्तर मुंबई जिलाध्यक्ष विनोद सलार के साथ कई मान्यवर उपस्थित थे। वीडियो क्लिप नीट बघितली, जे युवक होते, सामान्य युवक दिसत होते, त्या युवकाच्या पाठीवर दप्तर दिसते। कॉलेजची मुलं जनरली जे आपल्या वह्या पुस्तकांचं दप्तर घेतात ते दिसते, आणि जो मारणारा माणूस आहे हा इतका व्हायलंट झालेला मारतोय, समोरचा माणूस काही रिटॅलिएट पण करत नाही। जर आम्ही माणसं पाठवली असती असं तात्पुरतं जरी मानलं तरी त्या माणसाने रिटॅलिएट केलं असतं, तो निरागसपणे मारच खात चाललाय। त्यामुळे हे धादांत खोटं आहे। दप्तर घेणारा माणूस हा आमचा कार्यकर्ता असू शकत नाही, त्यामुळे आणि आम्ही दुपारी ऑलरेडी याची कंप्लेंट केलेलीच आहे। काय झालंय, आमच्या रॅलीज बघा, जवळजवळ 2000-2000 रॅलीज प्रत्येक वॉर्डात निघत आहेत, आणि तुम्ही उर्मिला ताईंच्या रॅलीज बघा, त्यांना मिळणारा रिस्पॉन्स बघा। ही सल मनामध्ये आहे की मी आले पॅराशूट सारखे, पण आता मला रिस्पॉन्स मिळत नाहीये, मग ह्या पद्धतीने तो कुठेतरी राग काढायचा हा प्रकार आहे। उर्मिला मातोंडकर जो उत्तर मुंबई की सांसद की कैंडिडेट है, उनकी प्रचार रैली बोरीवली स्थानक के पास आई थी। उनका प्रचार चालू था और प्रचार के दरमियान इनका रैली देख के कई युवा नौजवान जो मोदी साहब के काम से प्रभावित हुए, मोदी मोदी ऐसा उधर घोषणा दी। उसके बाद में उनको इस मतदार संघ में कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है, उस वो इसलिए वो टॉलरेट नहीं कर सके। उनके कार्यकर्ता जो है उन्होंने वो युवा जो लोग थे उनको मारने का प्रयास किया, उनको मारा, और उसी तरह का वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ है। प्रसार माध्यम की तरफ से आज टीवी पे न्यूज़ में भी दिखाया गया है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई नहीं। जो टॉलरेंस के बारे में हमारे ऊपर आरोप करते हैं, अभी उनका क्या चालू है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो क्लिप में आरोपी दिख रहे हैं उनको तुरंत उनको पुलिस ने कस्टडी लेना चाहिए, और कांग्रेस का जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने लाने का काम करने की विनंती आज निवडणूक अधिकारी को की है। निवडणूक अधिकारी उचित डायरेक्शन पुलिस स्टेशन और अपनी यंत्रणा को देंगे।